सोते समय सपने आना बड़ी ही सामान्य बात है। ये हमें कई तरह के संकेत देते हैं। कई बार तो सपने में दिखने वाली चीजें जीवन में हकीकत में भी परिवर्तित हो जाती है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक हर स्वप्न का कोई ना कोई आशय अवश्य होता है। तो आज के इस क्रमांक में हम आपको बताएंगे ऐसे ही 7 वो दिव्य स्वप्ने। यदि इन 7 स्वप्नों को जो भी व्यक्ति देख लेता है तो उसका जीवन निश्चित तौर पर परिवर्तित हो जाता है। और साथ साथ आज के इस स्वप्नों की श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले 7 स्वप्नों के बारे में विस्तृत तौर पर आपको जानकारी प्राप्त होगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक पर और बात कर लेते हैं ऐसे ही 7 दिव्य स्वप्नों के विषय में। सबसे पहला जो स्वप्न है, उस स्वप्न में स्वप्न शास्त्र के अनुसार अगर आप अपने सपने में ये देख रहे हैं कि फलों से लदा हुआ कोई वृक्ष आपको बहुत ही स्वच्छ तौर पर दिखाई दे रहा है, तो समझ लीजिए कि आप अपने जीवन में चाहे जो भी कार्य करते हो, चाहे आप व्यवसायी हो, चाहे आप नौकरी पेशा हो, आपको हर कार्य में बहुत जल्दी आर्थिक लाभ होने के ये प्रबल संकेत हैं। और यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके जीवन में पदोन्नति के लिए बड़े ही प्रबल योग बन रहे हैं। ये स्वप्न ज्यादातर उस समय आता है जब जीवन में आप परिश्रम कर रहे होते हैं और आपके परिश्रम के अंतर्गत बहुत सा लाभ आपको अर्जित होने वाला होता है, उस समय ऐसा स्वप्न आता है। पेड़ और उसकी दशा कुछ भी हो सकती है, लेकिन स्वच्छ तौर पर आप जब ये देख पा रहे हो कि पेड़ फलों से लदा हुआ है तो ये स्वप्न आपके लिए बहुत भाग्यशाली होने वाला है। बात कर लेते हैं दूसरे उस स्वप्न की ओर। दूसरा स्वप्न संबंधित है गुलाब के फूल से। स्वप्न में गुलाब के फूल का दिखना बेहद शुभ माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार ये आने वाली खुशहाली का सूचक है या जीवन में आपकी कोई मनोकामना है और उसके लिए आप प्रयासरत हैं तो जल्द ही आपकी मनोकामना पूरी होने का ये बहुत ही अच्छा संकेत आपको मिल रहा है। ज्यादातर ये उन लोगों को दिखता है जो जीवन में बहुत मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत के फल का इंतजार कर रहे होते हैं। ऐसे में जब गुलाब का फूल आपको दिख जाए, समझ लीजिएगा कि आपके अमूक कार्य की सिद्धि हो चुकी है। अब आपको सफल होने से कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती। बात कर लेते हैं तीसरे उस अद्भुत स्वप्न की ओर। तीसरा स्वप्न बड़ा ही आपको खुश कर देने वाला है। अगर आप सपने में खुद को कंगाली में देख रहे हैं, यानी कि आप अपनी स्थिति ऐसी देख रहे हैं कि आप बहुत दीनहीन हो गए हैं, यानी कि ऐसी स्थिति कभी जीवन में कोई भी व्यक्ति अनुभव नहीं करना चाहता, ऐसी स्थिति यदि आपकी हो गई है तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार मालामाल होने का यह संकेत है, यानी कि धन दौलत में बढ़ोतरी होने का ये संकेत है। इसके अलावा जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति आपको बहुत शीघ्रता से होने वाली है, ये संकेत इस ओर आपको इशारा करता है। ज्यादातर ये उन लोगों को स्वप्न आता है जो जीवन में धन संबंधी कार्यों से जुड़े होते हैं, या मुख्य तौर पर व्यवसायियों को ये सबसे ज्यादा स्वप्न आता है जो लोग व्यवसाय का कार्य करते हैं। अगर वो स्वयं को ऐसी स्थिति में, यानी कि ऐसी दयनीय स्थिति में पाते हैं स्वप्न के अंतर्गत, तो समझ लीजिएगा ठीक इसका विपरीत आपके जीवन में होने वाला है। धन सुख संपत्ति की और सुख समृद्धि की प्राप्ति बहुत शीघ्रता से आपको अब होने वाली है। बात करते हैं अगले संकेत की। अगला संकेत बहुत बहुत शुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न में यदि जोरदार बारिश आप देख रहे हैं तो यह सबसे शुभ संकेत माना जाता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसका संकेत है कि मां लक्ष्मी की कृपा बनी हुई है। जल्द ही आपके व्यवसाय में, आपकी नौकरी पेशा में आपकी तरक्की हो सकती है। और जिस प्रकार से इस स्वप्न के अंतर्गत वर्षा हो रही है, यानी कि जोरदार बारिश आप देख पा रहे हैं, इसी प्रकार से मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन पर ऐसे ही बरसेगी जिस प्रकार से मेघ अभी जल बरसा रहे हैं स्वप्न के अंतर्गत, यानी कि आपको चारों ओर से बहुत ही अच्छा आर्थिक लाभ होने का यह प्रबल संकेत है। ज्यादातर ये उन लोगों को स्वप्न आता है जो व्यवसाय से और नौकरी पेशा से जुड़े होते हैं और काफी समय से इंतजार कर रहे होते हैं कि जीवन में उनका यह स्वर्णिम समय कब आएगा। तो ऐसे में अगर यह स्वप्न दिख जाए तो समझ लीजिएगा आपका स्वर्णिम काल अब बहुत शीघ्र शुरू होने वाला है। बात कर लेते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत कहता है कि अगर आप सपने में स्वच्छ जल देख रहे हैं, यानी कि स्वच्छ जल का आशय यहाँ पर यह है कि अगर आप नदी, तालाब, झरना इत्यादि आप स्वच्छ जल के स्वरूप में देख रहे हैं तो यह एक बहुत ही अच्छा संकेत है कि आपको जल्द ही कोई नए पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो जल्द ही आपके पद में वृद्धि होने वाली है, आपको नई जिम्मेदारियां मिलने वाली हैं। अगर आप व्यवसायी हैं तो व्यवसायियों के लिए यह स्वप्न बहुत ही प्रत्यक्ष संकेत है कि आपके व्यवसाय में दिन दुनी रात चौगुनी
तरक्की होने का ये बहुत बहुत प्रबल संकेत आपको मिल रहा है। ऐसा स्वप्न यदि आपको दिख जाए, सबसे पहले आप महादेव के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को आप अवश्य ही शीश नवाना मत भूलिएगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी की कृपा से ही आपके जीवन में अब सुख समृद्धि का समय शीघ्र आने वाला है। बात कर लेते हैं अगले संकेत की ओर। अगला संकेत धन से संबंधित है। स्वप्न शास्त्र के मुताबिक अगर सपने में आप नए नोट देखते हैं या आपको बहुत सारा खजाना दिखता है, यानी कि इस स्वरूप में आप देख रहे हैं कि धन से पटे हुए कलश आपको दिख रहे हैं, तिजोरियां दिख रही हैं, ऐसा स्वप्न सदैव धन का बहुत ही अच्छा संकेत माना जाता है। यानी कि इसका प्रत्यक्ष रूप से ये मतलब है कि आपके जीवन में आपका आर्थिक पक्ष तो मजबूत होने ही वाला है, साथ साथ आपके धन के जो कोष हैं उन्हें माँ लक्ष्मी की कृपा से पूरी तरह से उसमें आपको अद्भुत लाभ की स्थिति देखने को मिलने वाली है। तो इसीलिए ये स्वप्न जब भी आप देखें, सबसे पहले स्नान आदि करने के बाद माँ लक्ष्मी की पूजा करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इससे आपको और भी लाभ उस स्वप्न के द्वारा प्राप्त जीवन में होने वाला है। अगला संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। अगला संकेत आपको कहता है कि यदि स्वप्न शास्त्र के अनुसार आप स्वप्न में तोता देखते हैं तो इसका आशय यह है कि जल्द ही आपके जीवन में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपकी प्रतीक्षा में है। आपको बहुत शीघ्र इस स्वप्न देखने के पश्चात बड़ी ही अच्छी खुशखबरी आपको सुनने को जल्द ही मिलने वाली है। ये खुशखबरी धन से संबंधित भी हो सकती है, या परिवार में किसी नए जन के आगमन की भी हो सकती है, या पदोन्नति की भी खुशखबरी हो सकती है। कहने का आशय यह है कि आपके जीवन में कोई अच्छी खबर इस स्वप्न के बाद आपको देखने को अवश्य मिलेगी। इसके अलावा बात कर लेते हैं एक ऐसे छोटे से उपाय के बारे में जो कि बहुत से लोग पूछते हैं कि जब धन बहुत ज्यादा खर्च होने की स्थिति आती है तो उसे जीवन में रोकने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इसका एक छोटा सा उपाय आपको बताएंगे। आपको क्या कार्य करना है कि जहां पर भी आपके तुलसी माता का जो स्थान है, जहां पर भी, जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग घर के बाहर तुलसी माता के पौधे को लगाते हैं, तो इसीलिए जहां पर भी आपके घर में तुलसी माँ का स्थान है वहां पर लाल रंग की चुनरी सोमवार के दिन आप तुलसी मैया को अवश्य उड़ाएं, और उसी दिन से नियम बना लें कि प्रातःकालीन पूजा में और सायंकालीन पूजा में धूप दीप आदि से तुलसी माँ का पूजन यदि प्रतिदिन करना प्रारंभ करें तो आपके घर में इससे दो लाभ होंगे। पहला लाभ होगा कि घर के बाहर से किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश नहीं करेगी, और जो लोग इस चीज़ से परेशान हैं कि उनके जीवन में बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, किसी न किसी प्रकार से ना चाहते हुए भी बहुत खर्च होने की स्थिति आ जाती है, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। अनावश्यक खर्चों से आप बचेंगे और धन की आपकी जो भी परेशानी चली आ रही थी कि धन का संरक्षण नहीं हो पा रहा था, धन की बचत नहीं हो पा रही थी, उसमें आपको बहुत बहुत लाभ इस छोटे से उपाय से मिलेगा। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। ये था स्वप्न शास्त्र के अनुसार बताए गए 7 स्वप्नों का आशय। आशा करते हैं क्रमांक आपको अवश्य ही पसंद आया होगा। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहेंगे कि महाराज जी की कृपा अनुसार सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो, इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।